मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि आज 31 अगस्त 2022 को परभणी शहर के मदीना पार्टी के पास के सैयद समीर, 23 वर्षीय सैयद समीर सैयद नसीर, इस लड़के की सुबह के 10 से 11 बजे के दरमियान परभणी शहर के जाकिर हुसैन स्कूल के पास में भरे हुए टिप्पर को ओवरटेक करने के चक्कर में जान चली गई और जान से हाथ धोना पड़ा। इसके लिए कि सिर्फ इस रेती के टिप्पर को ओवरटेक करने में इस लड़के ने जिस तरह से कोशिश की है कि आगे जाना है और आगे जाकर सैयद समीर सैयद नसीर, ये 23 वर्ष का लड़का जिसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, सिर्फ एक गलती ये कि ओवरटेक करना ट्रक को, इस लड़के के जान को, इस लड़के को महंगा पड़ा और महंगा पड़ने की वजह से इसे अपनी जान गंवानी पड़ी। ये मोटरसाइकिल पर ये लड़का था। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि परभणी शहर के सामान्य अस्पताल में जिस तरह से इस लड़के के लिए लोग आए, यहाँ पर जैसे ही उसका एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद में उस लड़के को परभणी शहर के सामान्य अस्पताल में लाया गया और यहाँ पर लाकर एडमिट किया गया, यहाँ पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। अफसोस की बात यह है कि परभणी शहर में जो लड़के, जो नौजवान बच्चे बड़ी गाड़ियों को ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, परभणी आस्था की जानिब से ये आह्वान किया जाता है उन लड़कों से, उन लोगों से जो लोग गाड़ियों को ओवरटेक करते हैं और अपने आप को आगे रखने की कोशिश करते हैं। अगर आप ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे और ऐसी सूरत में आपका नुकसान होगा, तो इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखें कि ऐसी सूरत में आप किसी भी गाड़ी को ओवरटेक ना करें। ओवरटेक करने की वजह से एक 23 वर्षीय बालक की जान गई है और जिस तरह से इसकी जान गई है, सभी लोगों से इस बात का आह्वान किया जाता है कि आप अपने आप का ख्याल रखें, अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें। ओवरटेक करने की वजह से अपनी जान गंवाने की कोशिश ना करें। अगर आप ओवरटेक करेंगे और गलती से सामने से कोई गाड़ी आ जाएगी, तो ऐसी सूरत में एक्सीडेंट होने का चांस है और एक्सीडेंट होने की वजह से आपका नुकसान भी हो सकता है। जैसे ये 23 वर्ष के लड़के को अपनी जान गंवानी पड़ी सिर्फ गलती एक के ओवरटेक ना करें। ओवरटेक अगर करेंगे तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखें। आप ये नज़ारा देख सकते हैं, परभणी शहर के सामान्य अस्पताल का ये नज़ारा। यहाँ पर जिस तरह से इस लड़के को जान से हाथ धोना पड़ा, गलती ओवरटेक की गलती, किस तरह से इसे नुकसान हो गया है। इस लड़के को अपनी जान गंवानी पड़ी सिर्फ और सिर्फ ओवरटेक की वजह से। परभणी शहर के सामान्य अस्पताल में जैसे ही इसे भर्ती कर दिया गया है, इसे भर्ती करने के बाद में इसे मृत घोषित किया गया है।
समाज सेवक अरुण मराठे, इनका आज 31 अगस्त 2022 को परभणी शहर में जन्मदिन मनाया गया है और इनके जन्मदिन के मौके पर परभणी शहर के जमजम कॉलोनी के एरिया में इरफान फंक्शन हॉल यहां पर 100 साड़ी वाटअप किए गए और इसी के साथ में खिचड़ी वाटअप की गई और मिठाई वाटअप की गई। इस वक्त परभणी शहर महानगर पालिका के नगर सेवक विशाल बुधवंत, नगर सेवक फारूक बाबा, नगर सेवक साबिर मुल्ला, इनकी मौजूदगी आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि परभणी शहर के जमजम कॉलोनी पर इरफान फंक्शन हॉल यहाँ पर अरुण मराठे इनके जन्मदिन के मौके पर 100 साड़ी फ्री में वाटअप की गई है उन लोगों को जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको साड़ी की ज़रूरत है। ऐसे महिलाओं को साड़ी तकसीम की गई है और साथ ही खाना भी इन्हें तकसीम किया गया है। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर नगर सेवक विशाल बुधवंत, तो इस कार्यक्रम के प्रमुख पाहुने आमदार राहुल पाटिल ये थे। इस वक्त बड़ी तादाद में महिलाओं की मौजूदगी थी और महिलाओं ने जिस तरह से महिलाओं को साड़ी वाटअप किया गया है, फारूक बाबा इनके हाथों से भी साड़ी वाटअप किया गया है, विशाल बुधवंत इनके हाथों से भी साड़ी वाटअप किया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से साड़ी वाटअप का प्रोग्राम एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान इनकी जानिब से लिया जा रहा है और जिस तरह से महिलाओं को साड़ी तकसीम किए जा रहे हैं। समाज सेवक अरुण मराठे इनके जन्मदिन के मौके पर नगर सेवक फारूक बाबा, नगर सेवक विशाल बुधवंत, नगर सेवक साबिर मुल्ला इनके हाथों से साड़ी वाटअप किया गया और साड़ी वाटअप करते समय किस तरह से साड़ी वाटअप किए जा रहे हैं आप ये भी नज़ारा देख सकते हैं कि साड़ी वाटअप करते समय महिलाओं ने कतार में आकर साड़ियाँ ली है। इस वक्त परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 23 के भावी नगर सेवक सैयद मुजम्मिल, परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग 23 के भावी नगर सेवक शेख यकीन भाई, परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 22 के भावी नगर सेवक अकरम बाबा, इनकी भी मौजूदगी यहां पर थी और आमदार राहुल पाटिल इनका जमजम कॉलोनी के महिलाओं की जानिब से इनका सत्कार किया गया है और जमजम कॉलोनी में आमदार राहुल पाटिल इनके जानिब से जिस तरह से मांग की गई है, रास्तों की यहां पर ज़रूरत है। जमजम कॉलोनी में रास्ते, नालियाँ और बिजली के खंभों की सख्त ज़रूरत है, बिजली के पोल की ज़रूरत है और बिजली के पोल का भी आश्वासन आमदार राहुल पाटिल सैयद मुजम्मिल साहब, परभणी प्रभाग नंबर 23 के भावी नगर सेवक सैयद मुजम्मिल और आमदार राहुल पाटिल इनकी जानिब से जिस तरह से आश्वासन दिया गया है जमजम कॉलोनी वासियों को कि आने वाले कुछ ही दिनों में जमजम कॉलोनी में अब लाइट के पोल भी आ जाएंगे, जहां लाइट के पोल नहीं हैं उस जगह पर लाइट के पोल भी आ जाएंगे और जहां पर रास्ते नहीं हैं ऐसी जगहों पर रास्तों का भी काम आमदार राहुल पाटिल इनके फंड से किया जाने वाला। यही नहीं, इसके अलावा परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 23 जमजम कॉलोनी के एरिया में नालियों का भी काम आमदार राहुल पाटिल इनकी जानिब से किया जाने वाला है, ऐसा आश्वासन आमदार राहुल पाटिल इन्होंने भी दिया है और परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 23 के भावी नगर सेवक सैयद मुजम्मिल इनकी जानिब से भी यह आश्वासन दिया गया है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है और क्या आह्वान इन्होंने जनता से भी किया है। खुद इन लोगों की जबानी आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से अरुण मराठे इनके जन्मदिन के मौके पर साड़ी वाटअप का प्रोग्राम किया जा रहा है और साड़ी वाटअप में एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान ये साड़ी वाटअप करते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, इनके अलावा आमदार राहुल पाटिल इनके हाथों से उन लोगों को सम्मानित किया गया है जिन्होंने समाज सेवा काम किया है और समाज सेवा के काम के समय आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि श्रृंगारे मैडम को भी सम्मानित किया गया है आमदार राहुल पाटिल इनकी जानिब से। और इनके अलावा फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को भी और समाज सेवा के काम करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया है। आइए जानते हैं सैयद मुजम्मिल इनकी जानिब से और आमदार राहुल पाटिल इनकी जानिब से किस तरह की बात कही गई है। जैसे हसमंत भाई ने आज बोले कि भाई साहब ने जो बोले थे रोड का वो पुल का पुल बन गया है, लेकिन हसमंत भाई दूसरी बार बोले कि भाई साहब ने ये रोड कब देख लेना, इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये कोड़गो रोड का काम चालू हो जाएगा आमदार साहब के फंड में से 800 मीटर का ताले बजाओ इस बात। और दूसरे भी जो काम है जैसे इलेक्शन कार्ड के हो गए, अभी राशन कार्ड के जो काम चालू है आमदार साहब के माध्यम से, और जो बेवा लोग हैं, जो लेडीज बेवा है जिसके शौहर नहीं है तो उनको साहब सिले मशीन बांटने वाले मुफ्त में उनके तरफ से, वैसे अगर से कोई है तो मेरे से संपर्क करें, दूसरे किसी से नहीं, जमजम में यकीन भाई है और मैं है, हमारे दोनों को बोला जो भी काम है तो चाहे नालों का होगा रोड का होगा जो भी काम। महाराष्ट्र वुमन्स लायंस क्लब परभणी की तरफ से आयोजित किए मराठे साहब का आज है जन्मदिन प्रोग्राम के अवसर पर साड़ी वाटर का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया वाला है। इस मौके पर उपस्थित सभी
प्रतिष्ठित परभणी के सभी नारी मेरे सब बहनों भाइयों यहाँ पे सब उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और बहुत सालों से मैं देख रहा हूँ मराठे सर का काम, सामाजिक तौर पर जिनका आदर्श हर एक युवक ने लेना चाहिए अपने जीवन में, इस तरह का ये व्यक्तित्व है। उनका आज जन्मदिन के मौके पर हर जगह पर उनके कार्यक्रम आयोजित किए वाले, शाम में भी मुशायरा का कार्यक्रम है 10 बजे, 10 कार्यक्रम है पूरे शहर में। इसलिए सभी की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, उनको जन्मदिन के मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। और आने वाले समय में जिस तरीके का यहाँ का पुल का ये ब्रिज का काम हो चुका है, ये रास्ते का काम भी जो मेन रास्ता है यहाँ का जमजम पानी का आपरो जोड़ बोलते हैं इसको, जो कम से कम मेरे ख्याल से 800 मीटर का रोड सैंक्शन हो चुका है मुल्ला साहब साहब, और कितने सालों से जिसका इंतज़ार था जो रोड का, रोड आने वाले समय में 2 महीने में पूरा हो जाएगा। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है यहाँ पे ग्रीन जोन है इसलिए डेवलपमेंट भी नहीं होता है महानगर पालिका का। आने वाले समय में यहाँ पे नाली का प्रॉब्लम है, यहाँ पे रास्तों का प्रॉब्लम है, लाइट का प्रॉब्लम, जो भी यहाँ के समस्या है उस समस्या का निदान करने के हिसाब से निश्चित महानगर पालिका के साथ में काम करेंगे। इस मौके पर उपस्थित सभी नगर सेवक अपक्ष नगर सेवक है, हमारे सम्मानित उद्वल साहब है हमारे शिवसेना के जिला प्रमुख यहाँ पे उपस्थित है, सम्मानित हमारे यहाँ के सभी जितना नेतागण है सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ, यहाँ पे रुकता हूँ। जय हिंद जय महा। ये न्यूज कवर की हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबीन, इन्होंने मिलकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है, हमें आपके कॉमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। आपके कॉमेंट्स जिस तरह के भी रहेंगे, आप हमारे न्यूज़ पर कॉमेंट्स ज़रूर करें। और मुझे दीजिए इजाज़त, जय हिंद। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुफ्त लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी, सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में, ग्राहक की खुशी यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। मोबाइल नंबर 9881290190। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं, आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। SBS English Speaking Classes, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कॉन्टैक्ट करें SBS English Speaking Classes। मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार के पास, नानल पेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।